नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसाइटो लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में, जिसमें हम आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉप न्यूज की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 7 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। नीतीश कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में स्वीकृत 1674 में से 670 पदों को बदल दिया है। विभाग में लिपिक के 670 पदों को अब प्रमोशन से भरा जाएगा, यानी कि सीधी भर्ती के जरिए इन पदों पर नियुक्ति नहीं होगी। इसके अलावा सरकार नया हेलीकॉप्टर, नया जेट विमान, इंजन खरीदने जा रही है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में मुजफ्फरपुर, नालंदा और कैमूर जिले में उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की मंजूरी दी गई। बिहार पुलिस ने भागलपुर के गोपालपुर से सत्तारूढ़ जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। जमीन विवाद के दौरान गोलीबारी करने के आरोप में आशीष मंडल समेत 4 अभियुक्त वारंटी थे। इसके बावजूद आशीष के बारे में सूचनाएं आ रही थी कि वह खुलेआम घूम रहा है। 25 दिसम्बर को उसने बरारी थाना से कुछ ही दूर स्थित अपने रेस्टोरेंट से माइक लगाकर लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि ना उसके पिताजी डरते हैं और ना ही वो। नगर निकाय के दूसरे चरण के चुनाव के लिए 28 दिसंबर बुधवार को मतदान होगा। 28 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निकाय चुनाव के दूसरे चरण को संपन्न कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। दूसरे चरण में पटना नगर निगम सहित पूरे बिहार में कुल 68 निकायों पर मतदान होना है। नए साल को लेकर जहां आम लोग जश्न की तैयारी कर रहे हैं, वहीं शराब तस्कर भी शराब की होम डिलीवरी करने के लिए यूपी से शराब की बड़ी खेप की तस्करी कर रहे हैं। ताजा मामला गोपालगंज के कुचायकट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट के पास का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। वहीं उत्पाद पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार तस्कर का नाम मनोज कुमार पासवान है। ये गोपालगंज के फुलवरिया थाना के भगवानपुर गाँव का निवासी। उत्तर प्रदेश के 2 जिले गोरखपुर और देवरिया में 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार की सिफारिशों के बाद इनका नाम बदलने पर अपनी सहमति दे दी है। अधिकारियों ने ये जानकारी मंगलवार को दी। बताया जा रहा है कि गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गाँव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ल करने की मांग की जा रही थी। ऐसे में मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। बीएसएससी पेपर लीक मामले में बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर हो गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जब बीएसएससी की दोनों पालियों के पेपर लीक हुए तो नीतीश सरकार ने सिर्फ एक पाली की परीक्षा ही रद्द क्यों की। सीएम नीतीश जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं, इससे बिहार की प्रतिभा का दमन हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्णय दे दिया है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए फौरन चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को नहीं माना। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी को आरक्षण ना दिया जाए। ऐसे में बगैर ओबीसी को आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं। घटना कर्नाटक के मैसूर की है, जिसमें प्रहलाद मोदी की कार का एक्सीडेंट हो गया। इस दौरान प्रहलाद मोदी के साथ उनके परिवार भी मौजूद थे। इस एक्सीडेंट में सभी को चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक हादसा मंगलवार दोपहर को हुआ। जानकारी के मुताबिक प्रहलाद मोदी अपनी पत्नी, बेटे, बहू और पोते के साथ मर्सिडीज बेंच कार से बांदीपुरा जा रहे थे। तभी दोपहर करीब 2 बजे उनकी कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई। हादसे के समय उनका काफिला भी उनके साथ था। चंदा कोचर और दीपक कोचर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दायर एफआईआर को चुनौती दी, हालांकि उन्हें हाईकोर्ट से झटका लगा। कोचर्स को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उन्हें 2 जनवरी को नियमित कोर्ट में अपील करने को कहा है। भाजपा ने दिल्ली की मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। उपमेयर के लिए कमल बागड़ी को प्रत्याशी बनाया गया है। स्थायी समिति के लिए कमलजीत सहरावत और हाल में भाजपा में वापसी करने वाले गजेंद्र दरार और पंकज लूथरा को प्रत्याशी बनाया गया है। 2 महीने की गिरावट के बाद भारत में कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं। जहां बीते 9 हफ्ते में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले हर हफ्ते लगातार घट रहे थे, तो वहीं बीते हफ्ते यानी 19 से 25 दिसंबर के बीच देश में कोरोना के मामले में 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 157 नए मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है।
कोरोना की पहली नेजल वैक्सीन को मंजूरी देने के 4 दिन बाद केंद्र सरकार ने इसकी कीमत तय कर दी है। भारत बायोटेक की ये वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए में लगवाई जा सकेगी, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए 800 रुपए चुकाने होंगे। ये वैक्सीन जनवरी के आखिरी हफ्ते से उपलब्ध हो जाएगी। केंद्र ने दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को 23 दिसंबर को मंजूरी दी थी। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलाकर बनाया था। नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लिया जा सकेगा। अभिनेत्री तनीषा शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गईं। उनका अंतिम संस्कार मीरा रोड स्थित शमशान घाट में 27 दिसंबर को किया गया। तनीषा शर्मा को अंतिम विदाई देने के लिए परिवार के अलावा टीवी इंडस्ट्री की कई हस्तियां और अन्य करीबी लोग भी पहुंचे थे। अभिनेत्री की मां का रो रोकर बुरा हाल है। प्यार में मिले दर्द के सामने आज एक हंसती खिलखिलाती शख्सियत हार गई। भारत और श्रीलंका के बीच 3 जनवरी से T20 सीरीज की शुरुआत होने वाली है। वहीं इस श्रृंखला के पहले एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से अस्थायी रूप से ब्रेक लेने का फैसला किया है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि वह IPL 2023 के पहले भारत के लिए क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइड लाइव।